क्या आप चाहते हो अपने बिजनेस के लिए कोई लोगो बनाना, या फिर आपका एक यूट्यूब चैनल है और आप सोच रहे हो कि यार लोगो कैसे बनाए? तो मैं आपको बताऊं कि आपने बहुत सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज मैं आपको एंड्रॉयड के ऐसे 3 ऐप्स बताने वाला हूँ जिसमें आप फ्री में लोगो क्रिएट कर सकते हैं। और ये ऐप मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये मैंने पर्सनली यूज करके देखे। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से है 3 ऐप्स जिसमें हम फ्री में लोगो बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं सतीश, कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल, आप देख रहे हैं, शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो आपको करना होगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन दिया उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बनाना है आपके बिजनेस के लिए एक अच्छा सा लोगो, तो उसके लिए सबसे पहला ये ऐप आपको आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है ब्रैंडी। जी हाँ दोस्तों, नाम तो उसका ब्रैंडी है, आप कुछ अलग मत समझना, लेकिन ये लोगो मेकर ऐप है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले नीचे यहाँ पे ऐड बटन आ रहा है, प्लस बटन दिखाई दे रहा है आपको। तो प्लस बटन पे आपको यहाँ पे सबसे पहले टैप कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे टैप कर दिया। तो जैसे आप टैप करोगे आपके सामने यहाँ पे कुछ अलग अलग कैटेगरीज आ जाएंगी, जैसे एडवर्टाइजिंग इन मीडिया, एग्रीकल्चर। आप स्क्रॉल करके यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज मिलने वाली है। इस कैटेगरीज में आपको जो कैटेगरीज का लोगो बनाना है वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, बहुत सारी कैटेगरीज आ रही है। उसमें से सपोज मुझे अभी बनाना है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाला लोगो, तो मैं उसके ऊपर टैप कर देता हूँ। जैसे मैं इसे टैप कर देता हूँ तो ये सिलेक्ट हो चुका है। अब नीचे आ रहा है योर ब्रांड नेम, आपको यहाँ पे ब्रांड नेम टाइप करना है, और टैगलाइन ब्रांड का कोई स्लोगन वगैरह रहेगा तो आप टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे ब्रांड नेम टाइप कर देता हूँ कंप्लीट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी टाइप कर दिया है। नीचे टैगलाइन में मैंने टाइप किया लर्न समथिंग न्यू। ये टाइप करने के बाद आपको सिंपली करना है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है जनरेट लोगो, तो यहाँ पे जनरेट लोगो पे मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ। जैसे आप जनरेट लोगो करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग के लिए टाइम लेगा और कुछ रेडीमेड लोगो आपके लिए तैयार करके दे देगा, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे आप लोगो देख सकते हैं, उसमें राइट कॉर्नर में डॉलर का साइन आ रहा है, वो वाले पेड लोगोज है, जिसमें राइट कॉर्नर में आप देख पाएंगे यहाँ पे डॉलर साइन आ चुका है, तो ये पेड लोगोज है। और जिसमें राइट कॉर्नर में डॉलर साइन नहीं है ये फ्री लोगो है। तो आप ये कंप्लीट टेक्नोलॉजी वाला कौन सा भी फ्री वाला लोगो यहाँ पे ले सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन आ रही है जिसमें पेड भी है, फ्री भी है। आप फ्री वाले देख सकते हैं, ये क्लीन एंड नीट है, जिसमें डॉलर का साइन नहीं है, ये भी फ्री है। तो आप इसमें से जो डिज़ाइन आपको पसंद आ रही है वो डिज़ाइन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, इसमें से कोई भी एक लोगो जो आपको अट्रैक्टिव लगता है, आपके बिजनेस के लिए यूजफुल लगता है, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी एक लोगो पे यहाँ पे टैप कर देता हूँ। जैसे ये वाला स्विच वाला लोगो मुझे पसंद आया, सिंपल है, सोबर है। टैप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट ऑप्शन आ चुका है, मैं एडिट पर टैप कर देता हूँ। जैसे मैं एडिट पे टैप कर देता हूँ वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट के लिए आपको ऑप्शन आ रहा है। नीचे आप देख सकते हैं बीजी T1 और T2, मतलब बीजी यानी बैकग्राउंड, T1 मतलब टेक्स्ट 1, T2 मतलब टेक्स्ट 2। तो चलिए मैं पहले बीजी पे टैप कर देता हूँ, मैं बीजी सिलेक्ट करता हूँ। और बीजी फिलहाल तो ट्रांसपेरेंट आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कोई बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, PNG जो हम लोग बोलते हैं जिसे इमेज, वो वैसे आ रहा है। तो इसे मुझे व्हाइट बैकग्राउंड देना है तो मैं व्हाइट पे यहाँ पे टैप कर देता हूँ, व्हाइट कलर पे व्हाइट बैकग्राउंड आ चुका है। ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक दे सकते हैं, आप ट्रांसपेरेंट दोबारा रखना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंट पे टैप कीजिए। आप अलग अलग कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इमेज भी ऐड करनी है दोस्तों, तो इसमें इमेज के लिए आप यहाँ पे सिंपली टैप कर दोगे। इमेज आइकॉन पे टैप करने के बाद यहाँ से आप इमेज सर्च करके उसके बैकग्राउंड में इमेज भी ऐड कर सकते हैं। आप जो चाहिए इमेज यहाँ पे सर्च कीजिए और ऐड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे इमेज भी मिलता है, चलिए फिलहाल मैं इमेज नहीं ऐड कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं नीचे T1 पे मैं टैप कर रहा हूँ, T1 पे टैप करने के बाद कंप्लीट टेक्नोलॉजी ये टेक्स्ट सिलेक्ट है। इसकी पोजीशन मैं नीचे रखना चाहता हूँ, ऊपर रखना चाहता हूँ, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे ऐसा ड्रैग करके इस तरह से रख सकता हूँ। और रिसाइज करना है, इसकी साइज़ मुझे बढ़ानी है तो मैं साइज ऐसे बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। रिसाइज करना है तो रिसाइज कर सकते हैं। आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं, इसका जो कलर रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे फॉन्ट भी है तो मैं आपको फॉन्ट भी दिखाऊँ। फॉन्ट पे मैं टैप कर देता हूँ, और जैसे मैं फॉन्ट पे टैप कर रहा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग 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 फॉन्ट आ चुके हैं। आप कोई भी फॉन्ट इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक फॉन्ट अप्लाई करके देखते हैं, इसका प्रीव्यू हम देखते हैं, ये वाला फॉन्ट देखते हैं। चलिए ये वाला देखिए किस तरह से आ रहा है। तो जो भी फॉन्ट आपको चाहिए आप कर सकते हैं अप्लाई यहाँ से इस तरह से, और भी फॉन्ट आपको मिल जाएंगे। आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों।
तो यहाँ पे कोई भी फॉन्ट या फिर आपको कलर, फॉन्ट कलर रिसाइज करना है, एडिट करना है, ये सारे ऑप्शन दिया है। वैसे आप T2 पे टैप कीजिए, यहाँ पे T2 पे टैप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो लर्न समथिंग न्यू ये वाला टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है। रिसाइज में कर रहा हूँ तो रिसाइज आप देख सकते हैं, इसकी साइज़ यहाँ पे बढ़ रही है और इसको भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। फाइनली ये लोगो क्रिएट होने के बाद, मतलब आपने बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया, लोगो आपकी कस्टमाइजेशन के हिसाब से आपने कर दिया, उसके बाद आपको करना है फाइनली सेव। तो यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे आपको सेव ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टैप कर देना है। सेव करने के लिए वो पूछेगा कि आपके मीडिया हम एक्सेस करेंगे, चलिए अलाउ कर देते हैं इसे हम। और यहाँ पे PNG फॉर्मेट चाहिए, JPG फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चाहिए अभी JPG फॉर्मेट, क्योंकि मैंने वैसे भी वाइट बैकग्राउंड यहाँ पे रखा है, तो मैं JPG फॉर्मेट ले लेता हूँ और सेव पे यहाँ पे टैप कर देता हूँ। जैसे मैं इसे सेव पे टैप कर देता हूँ, यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे करना क्या है, सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना और यहाँ पे शेयर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर टैप करके आपको इसको शेयर कर देना है। आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है अलग अलग ऑप्शन है, आप डायरेक्टली व्हाट्सअप के थ्रू शेयर कर सकते हैं, या फिर आप जीमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं, या फिर आप ड्राइव पे अपलोड वगैरह कर सकते हैं। सेव टू ड्राइव ऑप्शन आ रहा है तो आप डायरेक्टली सेव टू ड्राइव कीजिए, यहाँ पे जो आईडी रहेगा उसके ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा, तो आपके ड्राइव पे ये डायरेक्टली आपको देखने मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये ब्रांडी से लोगो तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको इसका लुक पसंद नहीं आया, इसमें जो डिज़ाइन है वो पसंद नहीं आया, तो आपके लिए लेके आया ना दोस्तों दूसरा ऐप। चलिए देखते हैं अभी दूसरा ऐप कौन सा है वो। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरा ऐप बता रहा हूँ जिसके जरिए आप लोगो बना सकते हैं अपने स्मार्टफोन में, वो है BHM लोगो आर्ट, यानी कि BHM लोगो मेकर। तो इसमें करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप कर देना है। जैसे आप टैप करेंगे आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी, बीच में एडवर्टाइज भी आने के चांसेस है दोस्तों, ये फ्री है तो थोड़ा बहुत तो एडवर्टाइजिंग आने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी आपके लिए ब्लैंक पेज आ चुका है, लेकिन आपको इसमें कौन सी कैटेगरी का लोगो वगैरह चाहिए वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो नीचे आपको लोगोज ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो लोगोज ऑप्शन पर आप टैप कीजिए। जैसे आप लोगोज ऑप्शन पर टैप करते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलने वाले, आर्ट एंड डिज़ाइन, एग्रीकल्चर, 3D लोगो, फूड शेप, कंप्यूटर, तो आप जिस पे चाहिए उस पे टैप कीजिए। मैंने कंप्यूटर पे कर दिया है और इसमें स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोगोज की यहाँ पे आपको इमेजेस मिलने वाली है। तो यहाँ से आप कोई भी एक लोगो ले लो, मतलब एक आइकॉन ले लो, यहाँ पे इमेजेस मिल रही है। तो इसमें से मुझे मेरे कंप्लीट टेक्नोलॉजी का लोगो तैयार करना है, तो मैं इसके लिए एक आइकॉन यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सपोज़ मैं ये आइकॉन सिलेक्ट कर रहा हूँ, चलिए ये आइकॉन आ चुका है। इसे मैं सेंटराइज कर सकता हूँ ऐसा ड्रैग करके, इसकी साइज़ भी मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। आप देख सकते हैं साइज़ वगैरह आप यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं, इसे रोटेट वगैरह कर सकते हैं, बीच में रख सकते हैं। उसके बाद नीचे ऐड टेक्स्ट ऑप्शन दिया है, ऐड टेक्स्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे टेक्स्ट आपको मिल रहे हैं। ऊपर आपको टेक्स्ट टाइप करना है और बहुत सारे फॉन्ट आपको मिल रहा है, एक फॉन्ट आपको चूज करना है। तो यहाँ पे एंटर टेक्स्ट करके ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप करूँगा। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट टेक्नोलॉजी ये टेक्स्ट टाइप कर दिया। अब मैं इसे यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्नोलॉजी ये टेक्स्ट आ चुका है। तो इसकी साइज़ वगैरह कम करना है तो आप साइज़ कम कर सकते हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली साइज़ ड्रैग कीजिए, इस तरह से कम करके यहाँ पे रखना है रख सकते हैं। तो ये इस तरह से आ सकता है एकदम सिंपली, आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फॉन्ट आपको चेंज करना है तो आप फॉन्ट डायरेक्टली यहाँ पे अलग सा बदल सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉन्ट की स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टाइल के यहाँ पे फॉन्ट आपको मिलने वाले, साइज़ आपके हिसाब से आपको रखना है। फिलहाल मैं इतना सीरियसली लोगो नहीं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे बस आपको एक एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ, तो आप देख लेना कैसे करना है इसे। और यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी ऑप्शन दिया है, आपको टेक्स्ट कलर भी यहाँ से आप बदल सकते हैं। तो ऐसे ही इस लोगो के अंदर और भी इमेज ऐड करना है तो आपको यहाँ पे लोगोस पे फिर से टैप करना है नीचे, और यहाँ से आप और भी शेप्स वगैरह लेके ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। और नहीं करना है तो फाइनली आपको इसको सेव करना है तो आपको यहाँ पे सेव पे टैप कर देना है। आप कौन से फॉर्मेट में इसे लेना चाहते हैं, JPEG, तो आप JPEG पे टैप कीजिए। टैप करने के बाद आपके सामने स्क्रीन आएगी जिसमें आपको आएगा ऑप्शन शेयर इमेज, तो चलिए शेयर इमेज पे मैं टैप कर देता हूँ। और इसे भी आप सेव टू ड्राइव वगैरह कर सकते हैं, सिंपली आप इसे भी सेव टू ड्राइव कीजिए और इसको यूज़ करके देखिए। ये भी फ्री में आपके ड्राइव में ये भी सेव होने वाली, इस तरह से आप देख सकते हैं इसे सेव करना है। तो ये था दूसरा ऐप जिसमें हम बना सकते हैं लोगो आसानी से, और कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया। अब है तीसरा जो कि मेरा फेवरेट है, जो आपको भी देखना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो भी फ्री ऐप है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा है वो ऐप। तो यहाँ पे तीसरा जो ऐप है वो है हैचफुल दोस्तों, हैचफुल यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं हैचफुल ऐप मेरे स्क्रीन पे अभी लोड हो चुका है, और इसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज आती है, जैसे यो बिजनेस सिलेक्ट कीजिए, आप कौन से बिजनेस का लोगो बनाना चाहते हैं, आपका कौन से कैटेगरी में बिजनेस फिट हो रहा है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। मतलब फैशन है, होम एंड गार्डन है, फूड एंड ड्रिंक है, स्पोर्ट है और टेक है, जो भी है आप ले सकते हैं, आप अलग अलग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक पे मैंने टैप कर दिया है, टैप करने के बाद नीचे ऑप्शन आ चुका है नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिज़ाइंस आ रही है, आप जो डिज़ाइंस चाहिए यहाँ पे आप अलग अलग फॉर्मेट में सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं काम डिज़ाइन ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसे टैप करके नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बिजनेस का नाम लिखना है,
और मैं यहाँ पे बिजनेस का नाम टाइप कर देता हूँ और बिजनेस का स्लोगन भी ऐड कर सकते हैं आप। फिलहाल मैं स्लोगन वगैरह नहीं ऐड कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको दिखा रहा हूँ, स्लोगन वगैरह छोड़ दे रहा हूँ, आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट बटन पे यहाँ पे टैप कीजिए, फिर आपको ये पूछेगा कि भाई आप ये लोगों का यूज़ क्या करने वाले हैं। आप इसमें से सब टैप कर सकते हैं या फिर आपको नॉट शो नन ऑफ द अबो ये करना है, कीजिए नेक्स्ट कीजिए और उसके बाद आपको मिलेंगे टैम्पलेट। तो इसमें भी रेडीमेड टैम्पलेट आपको बहुत सारे मिलने वाले और यहाँ पे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। यहाँ पे कोई पेड वाला नहीं आता है, लेकिन वहाँ पे जैसे पेड और फ्री आते थे, यहाँ पे सब फ्री है दोस्तों, इसलिए मेरा फेवरेट है। इसमें आपको जितने चाहिए उतने अलग अलग टैम्पलेट मिलते हैं और मैंने तो एक ही यहाँ पे डिज़ाइन सिलेक्ट किया, आप बहुत सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों यहाँ पे रेडीमेड आ जाते हैं, तो आपको जो डिज़ाइन पसंद है उसके ऊपर आप टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे यहाँ पे वो लोगो आपको बन के आ रहा है सामने, और इसमें भी आप आपका फॉन्ट्स बदल सकते हैं, कलर्स बदल सकते हैं, बिजनेस नेम बदल सकते हैं। तो फॉन्ट्स बदलना है तो यहाँ पे फॉन्ट्स पे टैप कीजिए और आप देख सकते हैं फॉन्ट्स के अलग अलग कैटेगरी और उसका रिजल्ट भी कैसे आता है, प्रीव्यू आपको देखने मिलता है। तो यहाँ पे आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं जो फॉन्ट का आपको अच्छा लग रहा है। इसमें ऊपर आप देख सकते हैं ब्लॉक है, डेकोरेटिव है, हैंड रिटर्न वाला भी है, हैंड रिटर्न फॉन्ट वाला चाहिए तो हैंड रिटर्न फॉन्ट वाला ये टैप कीजिए और देखिए यहाँ पे ये लोगो बन गया। अब इस लोगो को भी आपको सेव करना है तो आपको जाना है यहाँ पे, बस आगे करना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो ये थे 3 एंड्रॉयड ऐप जिसमें हम आसानी से फ्री में लोगो बना सकते हैं। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना दोस्तों, मैं इंतजार करूँगा आपकी कमेंट का। लाइक कीजिए इस वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए एक ही कहूँगा, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय।